आपका स्वागत है सर। जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले जो सिचुएशन है, जिस तरह से स्विफ्ट वर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, रूस ने जिस तरह से अटैक लॉन्च किया उस पर जैसे ही सैंक्शंस की झड़ी लगी, उसने आपको चौंकाया क्या? अदिति, पहले तो मेरा नाम शशांक है, शशांक सिंह नहीं है, ये बताना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। जो रूस बहुत समय से कह रहा है, अपॉलॉजीज फॉर दिस सर, जस्ट फैक्चुअली करेक्ट, शशांक जी हमारे साथ। तो वो रूस ने जो बहुत समय से कह रहा था और उसको कुछ ऐसा लगता था कि उसकी बातें मान ली गई हैं, और यूक्रेन में नेटो अपने हथियार नहीं भेजेगा, ट्रेनिंग नहीं भेजेगा, रूस के जो नज़दीकी बॉर्डर के पास में एरियाज हैं वहाँ पर वो ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन ना होने पाए, तो ये रूस का हमेशा से रहा है इशू। और मेरे ख्याल से कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, और बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें दूर हों, नहीं तो यूक्रेन को ऐसे एक समय में ऐसा लगा कि शायद नेटो बस अब वो ज्वाइन ही करने वाला है और रूस शायद कुछ भी नहीं कहेगा, और उन्होंने जो है जहाँ पे रूसी मूल के लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया उस एरियाज में ईस्टर्न यूक्रेन के। तो रूस ने जो है अल्टीमेटली ये देखा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है, तो इसलिए वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं कि आप आगे आएंगे क्या, अब जो हम अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात है कि डिप्लोमेटिक, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि एग्रेसिवली अपनी डिप्लोमेसी को परस्यू करने के लिए, ये मेरे ख्याल से पुतिन साहब का ये ध्येय है। तो एक तरफ ये एग्रेसिव पोस्चरिंग है रशिया की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेटो फोर्सेस, यूनाइटेड स्टेट्स, सिर्फ सीवियर सैंक्शंस। थोड़ी देर पहले हमारी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस होंगे। ऐसे कौन से सैंक्शंस हो सकते हैं जो इस समय मौजूदा हालात में व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दे आपके हिसाब से? देखिए, कोशिश वो ये कर रहे हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन के साथ में अपना ग्रुप है पूरा उनका टॉप एडवाइजर्स का, तो उनमें वो एक एक करके उनको डिफरेंट लोगों को वो सैंक्शन में लगा रहे हैं, उनके बच्चों के अगेंस्ट, उनके खुद के एसेट्स के अगेंस्ट, उनके ट्रैवल के बारे में। तो एक प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब लोग जो है पुतिन साहब का साथ छोड़ दें। अब ये होता है नहीं होता है ये डिपेंड करता है कि कितनी नॉलेज वेस्टर्न कंट्रीज में और नेटो में है रशिया के इनर सर्कल्स के बारे में। हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन है किसी तरह की कि सैंक्शंस के थ्रू। सर, आपको माफी के साथ मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। इस बीच जो बड़ी खबर है वो कीव में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग की लपटें देखी गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम, कीव में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में धुआं दिखा है। अब ये धुआं किस वजह से, इसी लेकर फिलहाल और अपडेट्स का इंतजार है। लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं, कीव में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहां पर आग की लपटें देखी गई हैं, धुआं देखा गया है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शशांक जी, बात पूरी कर ले सर। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये रूस ने बहुत इंतजार किया, अब उनको लगा कि ये कुछ गलत फहमियाँ जो यूक्रेन में आ गई थी कि नेटो उनकी पूरी तरह से मदद करेगा, अब वो गलत फहमियाँ शायद दूर हो गई हैं, तो उन्होंने एग्रेसिव अपनी डिप्लोमेसी परस्यू करके कोशिश करी है कि यूक्रेन उनकी बात मान जाए। और एक तरीके से जो फिनलैंडाइजेशन माना जाता है रूस के जो नज़दीक के कंट्रीज़ होते हैं कि वो रूस के साथ दुश्मनी भी नहीं रखते हैं, साथ में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो एक तरीके से वो बैलेंस बना के रखते हैं। तो यूक्रेन ने कुछ नेटो को बिल्कुल